संवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम आइए एक घटना आप लोगों के बीच में मैं पेश कर रहा हूं। हमारे विरह का शीर्षक है हत्यारों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। कवि जी ने बड़ी सुंदर भाव दिया है भूमिका के अंदर। कैसे गरीब बन के हुई है गुजरवा रो रो के पूछे ला दुखिया बेचारा बनल बा प्रशासन दुशासन भी जहवा कस्ती के कैसे मिली अब सहारा बलिया के गलिया में खुनवा बहा के निर्दोष के पापी लिहले बजनवा दुर्जनपुर गौवा में अरे मचल बा तूफनवा प्रशासन की आगे गईल बा परनवा दुर्जनपुर गौवा में मातम मचलबा प्रशासन के आगे गईल बा परनवा। यह राम राज है, राम राज की यह व्यवस्था चल रही है। यहाँ कभी जी एक लाइन कवाली का टुकड़ा दे हलन अरे जी रहा हूँ लाश बन के अरे जी रहा हूँ लाश बन के बेवफा की याद में कवि जी ने बड़ी सुंदर भाव दिया है विरहा में। हो रहा है आज ये क्या हो रहा है आज ये क्या राम जी के राज में विरहा का शुरुआत भैली घटना कहां के बा
दुखी जिगर हुआ समाज के हालातों से, विकास हो रहा है आज सिर्फ बातों से। कहाँ गए वो अच्छे दिन वाले वादे हैं, आज परेशान तो गरीब सबसे जाते हैं। कहीं हत्या तो बलात्कार कहीं होता है, समझ में आता ना प्रशासन कहाँ सोता है। जिला बलिया में बसा रेवती जो थाना है, वहीं के गांव का ये दुख भरा फसाना है। रेवती थाना के अंतर्गत दुर्जनपुर गांव कोटे को लेकर के वहां पे समूह बैठा, हनुमानगंज और दुर्जनपुर, जिसमें एक पक्ष से माँ सायर जगदम्बा और एक पक्ष से शिव शक्ति स्वयं समूह, दोनों पक्षों में बैठक हुई। एसडीएम सीओ कोतवाल सभी लोग वहां पे, सरकारी अधिकारी बड़े बड़े बैठे थे। वोट डालने वाली बात आई जिसमें सरकारी अधिकारी ने बताया कि वोट वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास आधार कार्ड हो, कोई प्रूफ हो। तो एक पक्ष अपना प्रूफ लेकर के आया था, दूसरा पक्ष कुछ लेकर के नहीं आया। वो लोग दूसरे पक्ष वाले बोले कि आज वोट नहीं होगा। इस पे अधिकारी ने मान लिया बात को। इतना बात सुनने के बाद धीरेन्द्र सिंह करते हैं क्या बाबू, यहाँ एक लाइन गीत लग गई।
खेत में पंचायत होत बा, क्षेत्र का जनता जुटल बा वोट देवे खातिर के ना। ई भइल कि आज वोट ना दियाई ना। एगो पक्ष के लगे कोनो आधार ना रहल, वोट वाला काम बन होके जातल तब तक धीरेन्द्र सिंह देखला ना रे पूरा कमवे फेल होई निकाल करके रिवॉल्वर और तड़ातड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बारे राम राज एसडीएम बैठा है, एक थाना नहीं ना। कई थाने का लोग वहां जुटे हैं सिपाही, लेकिन सभी हाथ पे हाथ रख के तमाशा देख रहे हैं। गोली चल रही है, तब तक भैल का बाबू यहाँ गीत लग गई। धीरेन्द्र सिंह जो बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह के बिल्कुल करीबी हैं, देखिए सत्ता वाला घमंड दिमाग पे दौड़ गया और सत्य के आवेश में आकर के और भरे समाज में जहां प्रशासन बैठा है, एसडीएम बैठा है, थोड़ा सा भी खौफ दिल में नहीं है, तड़ातड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कैसे बाबू? जैसे मुकहतानी हुई है चुनाव हो, वीरेंद्र सिंह एसडीएम को भी ललकार रहा है, आप चुनाव कराइए वरना आपको भी गोली मार दूंगा। बारे प्रशासन केहू कुछ ना बोलत बा। हम नहीं मांगत बानी केहू के सुझाव हो, लोग दौड़ गईले सुन ला सुन के तकरार के, तड़ 25 फायरिंग किया, जनता में खलबली मच गई, भागने लगे लोग ना।
तब तक एक गोली जाकर के जयप्रकाश पाल के सीने में लगी और वही पिधाराशाही हो गए। कभी जमा टेरी कलाइन दिहलन कि अरे मोर राम हो धीरेन्धर हो धीरेन्धर जनरल डायर बन गया। अरे राम धीरेन्धर हो धीरेन्धर जनरल डायर बन गया। अरे खेले खून की होली करने लगा है फायर। अरे हो फायर अरे हो फायर। एसडीएम सीओ बीडीओ के लगल रहल जमा दरबार। तनिक खोपना कानून के नाही दिल में आइल बा सरकार। क्या है फायर बन के टायर गोली हो गई सीने पर। रिवाल्वर निकाल करके तड़ातड़ गोली मार रहा है। गोली जयप्रकाश पाल को लगी और वहीं पे धाराशाही हो गए। फिर भी माननीय हमारे विधायक महोदय जी मीडिया वालों से सफाई में बता रहे हैं कि अगर किसी के भाई बहन बेटी के ऊपर कोई लाठी बरसाए तो उस परिवार का बेटा क्या करेगा। गोली तो चलाएगा ही। कभी जी हाँ भाव दिले हुए अरे दोहके चढ़ई में मैया दोहके चढ़ई में मैया। अरे नारी अलचू नारिया हो की गंगा जी वो झल नैया बारे समाज ये कानून नहीं है राम के ससानवा हो नयनवा बरी से सहजे में गाइले परानवा हो नयनवा बरी से जय प्रकाश पाल के लागल जर गोलिया। गिरले जमी पे बंदा हो Yeah.
पूरे क्षेत्र के लोग, परिवार के लोग रजय प्रकाश के लाश के उठाए के पूरा परिवार रोत बा। दुर्जनपुर गांव में मातम छा गई, यहाँ भैल का बाबू गीत लग गई। फैलल आगी नियन खबरिया, फैलल आगी नियन खबरिया, सुन ले बलिया के नर नरिया, सोला भैली नजरिया ना। पत्थर लगे चलाने जुटी के नर और नारी, अरे जान बजा के भाग चले हैं पापी दुराचारी। ये बारे मोर प्रशासन, ये बारे मोर प्रशासन, जिंदा भैये आज दुशासन। आज जहां भी देखिए कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है। एक बार इस गोदी मीडिया के जुबान से कभी नहीं आया कि जोगी राज में गुंडा राज है। अगर हमारे पूर्व सीएम अखिलेश यादव के राज में ऐसा होता था, सबसे पहले गोदी मीडिया लिखती थी गुंडा राज चल रहा है। आज सब कहां बैठे हैं, लगता है कि इस देश से ही चले गए हैं वो लोग। कभी जी हम पपट गलाइन दिलन अरे रो रो भारत माता दे दोहैया हमारे भैया हो, अरे रो रो भारत माता दे दोहैया हमारे भैया हो, अकमले फिर से आई बाकुवर कन्हैया हमारे भैया हो। अरे दुशासन और कंस भैले फिर से आज जिंदा, आगरवा में हमरे लगौल बाड़े फंदा, बिना तोहरे ना केहू आज सहैया हमरे भैया हो, आटोले धारा पीछे हमरी नैया हमरे भैया हो। आज देखें पूरे समाज के लोग, पिछड़ा दलित के लोग इशारा कर रहे हैं, जब तक ले आप भैया अखिलेश ना आई तब तक हमन का गुजारा ना हुई, इंसाफ ना मिली। कभी ये अल्लाह का लाइन दिलन अरे हाय रोवे ले गरीब आजी, रोवे ले गरीब आजी, बड़ी से नजरिया बापू, कैसे हुई जय प्रकाश पाल के हो रोवेली गुजरिया बाबू,
गदड़ मचाला बारह लोग घायल बाड़े बाबू। उत्तर प्रदेश में मां चल बाहागारी सारा शासन के गवाह भो ई लबा बउतिया बाबू। दोषी के मनावा में का विचारी इस खबर को हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी राज जी सुने और जितने भी अधिकारी थे सारे अधिकारियों को निलंबित करवा दिए। खैर सरकार में खाली इतने हो तो ऐसे अधिकार हो ना कर बाद में बहाली हो वो कहा बाकी बाकी बहाली ना हो। कवि जी बड़ा सुंदर चीज लिखल खड़ी कलाइन में जासी वाला भाई लोग कान खोल के सुन ले लोग। अरे जब ले नया समझवादी सरकार हो तब ले गरीबन के ना होई उपकार हो। अगर यह बारी अगर साइकिल के रोमा सब भुला गए पैदल चले के पड़ी तो पैदल ना बांध के ले जी अपना घर है। अब जेवन मन करी तेवन काम करो हिंसा करे के पड़ी यही से कहे के पड़ल। अरे चाहे ना ही ऐसन राज सरकार हो आज हवा गाड़ी बावन पे होला अत्याचार हो। अगर अखिलेश के सीएम बनेबा लोग तब कहीं चुन चुन के बदला हम हन के ले पावे के नहीं तो फिर चक्की में पीछे ही के बा। अरे अपन शक्ति फिर से दिखावे के परी तो सीएम फिर से अखिलेश के बनावे के परी।
लास्ट बंद में कहना पड़ा, जय जखाड़ स्वामी गुरुजन तू की लहरे फुलवारी। श्री नारायण संग में सोहे मित्र अवध बिहारी हो। धीरेन्द्र जनरल डाय